हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी 10:30 हुआ है और जैसे कल आपको बताया था कि सुबह का स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। पता नहीं क्या है, क्या होने वाला है। 10 o'clock से 12 o'clock था तो मैं आज सुबह को लंच बॉक्स नहीं दिया, क्योंकि मैं जब भी उसके स्कूल में जाती हूँ तो वो देखता है, मुझे देख लेगा तो रोना चालू कर देते। फिर भी आज सैटरडे है तो मैं इसीलिए सोचा कि नहीं, मैं जा रही हूँ तो 12 o'clock तक उसको भी लेके आ जाऊँगी साथ में। घर पे ही वो थोड़ा सा लंच कर लेगा। अभी बहुत लेट हो गया है। वो फ्रेंड को मैंने अभी फ़ोन किया था, उनका लड़की भी है वो स्कूल में, तो वो बोले कि नहीं आप 10:30 तक आ जाओ, मैं अभी उनके घर पे जाऊँगी और दोनों मिलके जाएंगे। और रास्ते में अभी टाइम हो गया है, अभी मुझे निकलना है, मेरा थोड़ा काम था तो मैं बस मॉर्निंग से आज मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ब्रेकफास्ट बनाया। कल मुझे थोड़ा सा लेट हो गया सोने में, कल भी करण लेट आए, मैं दाल चावल ही बनाया गया है। और एक चीज़ है, मैं अभी उसका प्रिपरेशन कर लेती हूँ। हैप्पी चितो अमावस्या, ये ओडिशा में होता है चितो अमावस्या, बाहर होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो वो क्या होता है मैं आने के बाद आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास अभी कोकोनट नहीं है। आने के टाइम मैं कोकोनट खरीद के लेके आऊँगी, वो रेसिपी आपको बताऊँगी कैसे होता है। जो ओडिशा के हैं उनको पता होएगा, जो बाहर है मुझे नहीं पता है। मेरा ये सब थोड़ा अंधेरा है, मुझे नहीं पता है यहाँ पे चितो मस्या करते हैं कि नहीं। मुझे नहीं पता है यहाँ पे चितो मस्या करते हैं कि नहीं, तो मैं चलिए मैं अभी आ जाती हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। हाय, अभी हुआ है 5:30 हुआ है, मेरा अभी काम ख़त्म हुआ। मैं जैसे मॉर्निंग में बोला कि मैं जा रही हूँ सुबह के स्कूल में, जाते जाते 11 बज गया। उनके पास गई थी, मेरे फ्रेंड के पास, तो वो निकलते निकलते 11 बज गया। अयो, अभी मेरा सारा काम खत्म, तो मुझे थोड़ा थकान आ रहा है और आज भी कुछ ऐसा नींद आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चाय पी लूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। चीतो पीठा का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया मैंने, उसका भी मैं चाय डाल देती हूँ, उसके बाद चीतो का वो चावल भिगो के रखा है उसको पीसना है, पीसने के बाद में देखते हैं करण कुछ बोलते नहीं कब आएंगे। ये है मेरा चावल जो भिगा के रखा है, और ये थोड़ा सा खोबरा है, मैं इसी को ही डालूंगी, क्या करूँ मेरे पास कच्चा खोबरा नहीं है, कच्चा नारियल नहीं है, तो ये सूखा ही है, इसको ही कट कट करके मैं पीस लूँगी तो भी हो जाएगा। मैं पहले चाय चढ़ा लेती हूँ, मुझे थकान हो रहा है, उसके बाद इसको पीस दूँगी। ये बर्तन भी मैंने साफ कर लिया था, काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, एक के बाद एक जैसे तैयार खड़े हैं। ये मैंने घोल बना दिया है, इसमें मैं 1 कप चावल और 2 चम्मच उड़न की दाल और 1/2 नारियल इतना ही डाला है। अभी इसमें इसको मैं 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी जैसे ये फर्मेंट हो जाए, और इसमें नमक और शुगर में डाल दूंगी।
तो फ्रेंड्स अभी शाम हो गया है, अभी मुझे पीठा बनाना है और भगवान को दियाबाति करना है। मैं अभी तीन ही बनाऊंगी, उसके बाद बाकी का बनाऊंगी। पीठा मैं इस कढ़ाई में बनाऊंगी क्योंकि वो पीठा थोड़ा सा छोटा होएगा और इस कढ़ाई में ही अच्छा बनेगा। अगर फ्लैट कढ़ाई लेंगे तो फ्लैट ही हो जाएगा, वो ऐसे फूकेगा नहीं, इसलिए मैं इसमें ही बनाऊंगी। मेरा बैटर अभी रेडी हो चुका है, आई थिंक ये थोड़ा सा ठीक है। लाइनिंग कट हो गया, मैं क्या करूं, लाइट ही चला गया, मैं क्या करूं, ठाकुर मुझे भी नहीं हुआ। चुप हो, मैं पूजा कर लिया, सुबह एक खा रहे हैं और एक भगवान का दिया है और एक एक करण के लिए, ये सुबह से थोड़ा सा खा लिया। अभी ये दो तीन बना के रखती हूँ, करण शायद आएंगे तो खाने के लिए हो जाएगा। इतना सही है, मैं थोड़ा सा बनाती हूँ क्योंकि मैं नहीं खा पाती हूँ, करण का तो टाइमिंग खराब है। मीटिंग में टीचर बोले सुबह का रिजल्ट अच्छा है, 99% रखा है, वन मार्क बस पोएम में, पोएम भी ठीक ठाक बोला था बट बहुत स्लो बोला, तो इसीलिए टीचर ने पनिश के तौर से वन मार्क कट किए, नहीं तो सब कुछ ठीक है। बट इसके अलावा और चार कंप्लेंट मेरे को थे। सुबह स्लो खाता है, सब खा के जाएंगे सुबह खाकर खाते ही रहता है वो, ऐसा घर पे भी ऐसा है, इसीलिए मैं इतना चिल्ला चिल्ला के उसको खिलाती हूँ ना। फर्स्ट, सेकंड, राइटिंग स्लो है, सब लिख के भाग जाएंगे, ये बैठा रहता है। थर्ड, ये सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड है ऐसे कुछ भी पूछो तो स्लो स्लो बोलेगा, टीचर बोलते मुझे सुनाई नहीं दे रहे हैं वो क्या बोलते हैं, उसको मैं नज़दीक बुला के कान दे के सुनती हूँ क्या बोलता है। फोर्थ है टॉयलेट कर टॉयलेट के लिए वो बोलता ही नहीं, अभी तक कितना 2 महीना हो गया, जून से स्कूल स्टार्ट हुआ, जून जुलाई,
एचआर कंप्लेंट मेरे को दिए ना ऐसे ऐसे, और मैं क्या बोलूँ, सब तो ऐसे ही, घर पे भी वैसे ही है। आज सुबह का पढ़ाई बंद, उसको कोई होमवर्क नहीं मिला है तो वो पढ़ेगा क्या? लाइट थोड़ा सा बेकार आ रहा है। मुझे करी बनाना है बट मेरे पास प्याज नहीं अदरक नहीं, मैं कैसे बनाऊं? करण को बोला था अदरक प्याज लेके आने के लिए, वो बोले बोले नहीं, वो बोल रहे कि कल तो जाना है तो आज क्यों लेके आना, तो आप ही मैं कैसे बनाऊंगी? दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ तो होना चाहिए ना, प्याज नहीं तो अदरक, सिंपल सा बनाओ तो अदरक चाहिए, समझ नहीं आ रहा था। चलिए ट्राई करते हैं कैसा होता है, बट मुझे पता नहीं क्या होएगा। मैं क्या करने वाली हूँ मुझे कुछ नहीं पता है, पर ट्राई तो करना है ना, कैसे बनेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। नमक, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग।
अभी 10 o'clock हो चुका है और मैं कल का ब्लॉग एंड नहीं कर पाया क्योंकि वो करण कल जल्दी आ गए थे और जैसे मैंने बोला कि करी के लिए मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको किया। करने के बाद ये दोनों फिल्म देख रहे थे तो मैं थोड़े टाइम के लिए उधर ही बैठ गया। शुभ कल करी के लिए जैसे बोला कि मुझे पास कुछ नहीं है, ऐसे ही करी बना दिया। करण और शुभू खा लिए। शुभू इधर ही बैठा है। ये नहीं सुन रहा है। और जो करण और शुभू खा ले तो हाँ करी ठीक था। उसके बाद घर पे बातचीत नहीं हो पाया था 2-3 दिन से। करण अपने घर पे, मेरे घर पे दोनों बैठ के बात किए। ऐसे करते करते 10:30 हो गया शायद, सब गए सोने के लिए। कल जल्दी 9 o'clock हमने डिनर कर लिया, 9:30। तो उसके बाद बैठ के घर पे बात किए, करण अपने घर पे, मैं मेरे घर पे। ऐसे करते करते याद ही नहीं रहा कि और ब्लॉग को मैंने एंड किया कि नहीं। और सब आ गए 10:30 तक सोने, क्योंकि आज संडे है तो संडे को भी करण को ड्यूटी जाना है। अभी वो ड्यूटी चले गए हैं, 8:30 को ही ड्यूटी गए। उनका ऐसे ही रहता है। पापा हमेशा काम करते हैं, घर पे रुकते ही नहीं। बोल के तो गए हैं 1:30 तक आ जाएंगे, 1 या 2 o'clock तक आ जाएंगे, पता नहीं। और घर पे मेरा जैसे कुछ भी नहीं है, मैं अभी क्या बनाऊँ मुझे नहीं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए मैं एक अनियन नेबर से लेके आई, उसका हाफ मैंने ब्रेकफास्ट के लिए डाला है और हाफ है। देखती हूँ क्या बना सकती हूँ मैं। क्या खाएगा आज? इडली डोसा। इडली डोसा तो मिला ना आपको, फ्रेंड ने दिया ना आपने। वो फ्रेंड मैं उस दिन आपको फ्रेंड दिखाए थे ना, मेरा एक फ्रेंड है, वो आज इडली बना के, सुबह को इडली पसंद है उनको पता है, तो वो इडली बना के दिए, बोले कि सुबह के लिए। सुबह उसमें 1 piece ही खाया। चलिए आज का ब्लॉग मैं बनाने वाली हूँ, तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जो क्या है मुझे नहीं पता है कैसा हुआ, जैसा भी था। आई होप आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शुभ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, बोलो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय। ऐसे नहीं बच्चा, सब बोलेंगे गंदा बच्चा है। बोलो बाय। बाय। बाय।